अभी दूसरा होगा लिप्स का, तो लिप्स के लिए भी आप एक बार देख लो, पहले फ्रंट लिप्स कैसे होंगे। फ्रंट लिप्स करने से पहले क्या करना है, हल्की से एक लाइन लेके सेंटर लाइन लेनी है, ठीक है। और सभी लोगों के लिप्स आपको मालूम होगा कि अलग अलग रहते हैं। ऊपर का लिप्स हो गया, तो लिप्स का भी आपको स्टडी करना ज़रूरी है। तो जब भी आप फेस बनाओगे तो सबके फेसेस तो आपको मालूम है अलग ही होते हैं। स्केच लिया, फिर ये साइड, ये फ्रंट लिप्स हो गए, शेडिंग बाद में करते हैं। फिर ये साइड फेस जब आप बनाओगे तो साइड फेस के लिप्स कैसे होंगे, इसका भी आपको फोटो सेंड करूंगा, तो आपको स्टडी के लिए आए उपयोग होगा। ये साइड फेस के लिप्स थोड़े से थ्री पोज, जैसे ये आँख जैसे हमने की ना, वैसे ही दूसरे लिप्स, तो वो कैसे होंगे, यहाँ से टर्न होगा थोड़ा इस तरह से, तो ये हो गया थ्री पोज। अभी इसका शेडिंग लेते हैं। ऊपर का लिप्स जो होगा थोड़ा सा डार्क दिखाएगा, क्योंकि वो जैसे यहाँ पे हमने शेडिंग किया आँख में, वैसे ऊपर की लाइन का जो शेडिंग होगा वो थोड़ा डार्क रहेगा, लिप्स वैसे ही रहेंगे। और यहाँ पे लाइट होती है तो वो पार्ट थोड़ा लाइट बताने का, यहाँ पे इतने पार्ट में लाइट है तो ये थोड़ा सा लाइट करना है, और ये लाइन थोड़ी सी डार्क करनी है जहाँ पे लिप्स मिक्स होते हैं, मतलब जुड़ते हैं। ठीक वैसे ये नेक्स्ट टाइम आपको फिर हाथों का ड्राइंग दिखाऊंगा, हाथ और पैर, ठीक है। तो पहले ये दोनों का स्टडी आप कर लोगे, फिर नेक्स्ट सेशन में अपने पूरा ह्यूमन बॉडी का स्केच करेंगे। तो ये हो गया ऊपर का लिप्स, मतलब साइड फेस का लिप्स, बराबर। इसमें आपको शेडिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हो गया थ्री पोज स्लिप। अभी इसका फोटो मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। ये देख लो, ये आपका ये हो गया आंखें और लिप्स। अभी इसका फोटो भी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।